नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम और आप इस वक्त देख रहे हैं मेरे साथ सीआईबी इंडिया न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इस खबर के प्रायोजक हैं उज्जवल मॉडल स्कूल कप्तानगंज आजमगढ़, एडमिशन जारी। खबर आगरा जिले से है जहां पर इंटरनेशनल साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है। नाइजीरियाई एक नागरिक को पुलिस ने गुरुग्राम से दबोचा है। आगरा के व्यक्ति से की थी 33 लाख रुपए की ठगी। दिल्ली एनसीआर मुंबई और राजस्थान में चलाता था ये व्यक्ति रैकेट। एक लैपटॉप, 3 मोबाइल और नाइजीरियन पासपोर्ट हुआ है बरामद। एक्सपायर स्टूडेंट वीजा भी बरामद हुआ है। आईजी रेंज ए सतीश गणेश की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। जनपद आगरा के थाना हरी पर्वत में वर्ष 2018 में एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था, जिसमें अवध नारायण त्रिपाठी जी ने अपने आप के साथ उनके साथ एक धोखाधड़ी का मामला दर्ज हुआ, जिसमें उन्होंने लगभग 33 लाख रुपए विभिन्न तिथियों में विभिन्न खातों में जमा किए। और उसके बाद जब उनको ये एहसास हुआ कि उनके साथ धोखाधड़ी हुई है, तो उन्होंने साइबर सेल आगरा रेंज कार्यालय में संपर्क किया, जिसके बाद होगी। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये जो कार्रवाई हुई है, इस कार्रवाई से इस प्रकार की घटनाओं पर जो एनसीआर से लगा हुआ उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, उसमें अंकुश लगेगा। और ये भी जानकारी होगी कि और भी लोग हो सकते हैं जो इस प्रकार की धोखाधड़ी से, जो ऑनलाइन साइबर फ्रॉड हुआ है, उससे प्रभावित हुए होंगे। और उनके विवेचनाओं में भी हमें जो इस मुकदमे से जो इम्पोर्टेंट लीड्स मिली हैं, उन घटनाओं के खुलासा में हमें अच्छी खासी सफलता मिली। सीआईबी इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं, ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।